करंट अफेयर प्लस जीके जीएस के 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें आपका सही जवाब है मुंबई सिटी एफसी। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो आपका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तीसरा सवाल है, जयो सिटी रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कासिमपुर हॉल्ट। चौथा सवाल है, हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संजय मिश्रा। पांचवा सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान में। छठा सवाल है, हाल ही में रजवान चौधरी बनिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस देश से संबंधित हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। सातवां सवाल है, हाल ही में AFC Under-23 एशियन कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। आठवां सवाल है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 169वां। नौवां सवाल है, आईसीसी T20 विश्व कप में पहली बार कौन सी टीमें हिस्सा ले रही है? क्रमशः ऑप्शन ए कनाडा, युगांडा और अमेरिका। दसवां सवाल है, हाल ही में सीनियर AFC एशियन कप 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो इसमें आपका ऑप्शन ए कतर। 11वां सवाल है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इरा। 12वां सवाल है, हाल ही में आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मदन स्पोर्टिंग। 13वां सवाल है, हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। 14वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में राजसी चित्राई महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। 15वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। 16वां सवाल है, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 17वां सवाल है, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए UAE। 18वां सवाल है, पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी असम। 19वां सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्यवाही में सहायता दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 मई। 20वां सवाल है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। 21वां सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 22वां सवाल है, पालक के पत्तों में कौन सा मिनरल सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आयरन। 23वां सवाल है, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एनीमिया। 24वां सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रेटिनल। 25वां सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आंवला।